पुराने मुंतखाब के मुताबिक पटेंचेरो मंडल के सर्वे नंबर 152 में एक वसी ज़मीनी जायदाद जो कि मस्जिद कुतुबशाही से ताल्लुक़ रखती है, जिसे मस्जिद कोएद बन कहा जाता है, चूँकि रेवेन्यू हुकाम ने गैर क़ानूनी के हक में ORC जारी किया था। मस्कुरा इनाम वक्फ इमलाक के खाबिजीन वक्फ बोर्ड थे। कई दहाइयों से मुतालिका तमाम रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की नुमाइंदगी इसमें चल रही थी। आखिरकार वक्फ बोर्ड ने मुकदमा इस एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू संगारेड्डी की अदालत में अपना लड़ा। मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इस मामले को अहम समझते हुए वक्फ इमलाक के तहफ़ और बाजियाबी के लिए खसूसी दिलचस्पी ली और इस तरह इस मामले को जल्द निपटाने के लिए तेज़ी लाई गई, जिसके नतीजे में अदालत ने इस मामले की तफसील से समाअत की। अहकाम पास किए जा चुके हैं। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के ज़रिए जारी करदा तमाम ORCS को मनसूख करते हुए रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर संगारेड्डी को इस मामले में जेन्युइन इंक्वायरी करने की हिदायत जारी की। मस्कुरा बाला अदल के खतूत पर कलेक्टर मौजू के मामले में वक्फ बोर्ड को RDO संगारेड्डी से इसी मुस्बित जवाब की तवक्को है, जो कि वक्फ ले लैंड के बुनियादी आले पर मबनी है। मुंतखब और मुस्तकबिल खरीब में तमाम वक्फ इमलाक की आमदनी की पैमाइश करने वाली मस्जिद कुतुबशाही पटेंचेरो ज़िला संगारेड्डी में की जाएगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की यह खसूसी रिपोर्ट। एक खाना मस्जिद का केस निर्मल में एक 5 एकड़ 33 घंटे के ऊपर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था। इसके ऊपर जो है सो अपने हम लोग जो है सो अपने फेवर में वक्फ बोर्ड के फेवर में आर्डर आ चुका है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसके ताल्लुक से हम प्रॉपर्टी जो है सो ये आर्डर के ऊपर हम प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में ले लेंगे और इसके साथ अहम जो अहम और एक प्रॉपर्टी है पटेंचेरो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आती है प्रॉपर्टी पटेंचेरो में। ये प्रॉपर्टी जो है सो 130 एकड़ मस्जिद कुतुबशाही के तहत एक प्रॉपर्टी 130 एकड़ प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को लोग अपने इनामों पे रजिस्टर्ड करा के जो लोग लड़ रहे थे इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में हम लोग रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस डाले। इसके ऊपर कुछ एक पिल भी हाईकोर्ट में डाले थे। वो पिल के डायरेक्शन के ऊपर ट्रिब्यूनल के अपने रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस चला। केस चलने के बाद हम पूरी तरह जोर लगा के लीगल एडवोकेट्स को लेकर और हमारे बोर्ड की टीम सुपरटेंडेंट्स पूरे लोगों की इसी केस में लगा के पूरे रिकॉर्ड निकाल कर मुंतखब पूरा निकाल के पूरी तरह कोशिश करने के बाद किसी तरह भी चांस नहीं छोड़े। उसमें हम पर्सनल उसमें हम तवज्जो लेकर और इसके साथ स्पेशली ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम पूरी साथ दे के चेयरमैन साहब भी इस मामले में यानी कि रेवेन्यू ऑफिशल्स जो भी जो जजमेंट देने वाले हैं कोई भी किसी किस्म से कोई किस्म का अपने को नुकसान नहीं होना बोल के टॉप लेवल पे आप भी बात करें। हम इस तरह लीगल तरीके से पूरा लीगल को पूरा सेट करें इस मसले में। होमेश्वर साहब भी जो है सो स्पेशली ये केस में ये ऑफिशल्स को कोऑर्डिनेट करके बात करें हैं। इसमें हमारे मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब भी इस मसले में ऑफिसर्स के पूरी मेहनत के बाद हम लोगों को 130 एकड़ प्रॉपर्टी हासिल हो चुकी है। इस प्रॉपर्टी की वर्थ ₹1,000 करोड़ हो सकती है। इसके साथ एक खाने की मस्जिद भी जो है 150 करोड़ की वैल्यू हो सकती है। ये हमारी एक अच्छी जीत है। इसमें हम बड़ी मेहनत से इस लीगल टीम को स्ट्रेंथन करते हुए लीगल को आगे बढ़ाते हुए और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और हमारे खादर इंस्पेक्टर जब्बार सुपरिटेंडेंट ये लोग भी हर पेशे में हर बार अटेंड करते रहे। इसके साथ हमारी मेहनत और अल्लाह का करम ये हुआ इस रमज़ान के महीने में 130 एकड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हम हासिल करना अल्लाह के करम से ये हमारी एक जीत है। इस तरह से हमारी जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की रहेंगी जो भी लैंड ग्रैबर्स जो भी एनक्रोचर्स वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह से आप हड़दर्मी करके प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह इसी लीगल तरीके से लड़ेंगे। हम जितने भी केस वक्फ के प्रॉपर्टी सर्विस इनाम के प्रॉपर्टी से हम जीत के रहेंगे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके वास्ते इस तरह से ये कर रहे हैं। ये हमारी वक्फ बोर्ड की और हमारी यानी कि इस केस में जो भी लोग
हेल्प कर रहे हैं, सबकी जीत है, सभी खाली है, पूरी एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, पूरी खाली है, ये खाना मुझे पूरी 5 एकड़ चिल्लर खाली है, ये इसमें एक आध के कुछ लोग मलिए, ये कमर्शियल ये नहीं कि ये रेजिडेंशियल पे है, ये कुछ मलियाँ वलियाँ हैं बोल रहे, कुछ कब्जे भी रहे, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी जब हम केस जीतने के बाद तो हम 130 एकड़ में वो 134 मेंबर्स ये लोग जो है सो पट्टे पासबुकों के साथ हमारे साथ लड़े, ये लोग फार्मर्स थे वहाँ के, वो लोगों के सब डिटेल नाम से। इसके बाद एक खाने मस्जिद में भी लोग एक एक अमानुल्लाह एंड अदर्स 10 आदमी हैं पूरे, ये लोग 10 आदमी इनके खानदान के लोग हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, वक्त हमारी बोल के हम ये फ्रॉड ये लोग जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह से ये सिविल नेचर कम्प्लीट होने के बाद एक सिविल नेचर का केस है, वो लोगों के पास ओआरसी थे जो 130 एकड़ की प्रॉपर्टी थी ऑफिशियल तरीके से ओआरसी इशू हुए थे, तो ये सिविल कम्प्लीट सिविल मैटर है, ये सिविल मैटर में हम सिविल दावे के साथ हमारे मुंतखब हमारे सर्वे फॉर्म वक्फ का टोटल डॉक्यूमेंट बता के सिविल नेचर से हम केस जीत चुके हैं, एक सिविल मुकदमा है।